एक्चुअली में कंट्री में क्या हो रहा है ये बहुत ज्यादा मुझे मालूम नहीं है। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, कहीं सरकार पैसे दे रही है स्कूल वालों को, कहीं नहीं दे रही है, और कहीं बुक्स वगैरह के पैसे भी सरकार दे रही है। जैसे यूपी में मुझे पता लगा 5,000 रुपीज देती है बुक्स यूनिफॉर्म के लिए, लेकिन वहाँ के लोगों को बार बार जाके मुर्दाबाद जिंदाबाद करनी पड़ती है लखनऊ में पैसे के लिए। तो एडमिशन्स पता नहीं दिल्ली को छोड़ के बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, लेकिन दिल्ली में अब की देखने को मिला है कि ईडब्ल्यूएस के एडमिशन्स जो है वो नंबर रिड्यूस हुआ है। मतलब और मैं आपको मतलब दिल्ली के कंटेक्स्ट में बताता हूँ कि दिल्ली में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। और आज ही हमने एक PIL फाइल किया है और वहीं से शुरू करते हैं आज का बात। और वो PIL ये है कि यहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं इसके बारे में जो बनाए हैं, मतलब रूल्स में नहीं है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में नहीं है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के जो रूल्स बनाए हैं उसमें नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने ऑर्डर्स पास करे हैं कि EWS और DG के एडमिशन्स कैसे होंगे। उन ऑर्डर्स में क्या डाला है उन्होंने, और उसमें डाला है कि जो बच्चे EWS के EWS कैटेगरी में एडमिशन होगा और उनको हर उनके जो कंटिन्यूएशन के लिए जो पेरेंट्स हैं दे आर सपोज टू फाइल डिक्लेरेशन ऑन एफिडेविट कि वो विद इन लिमिट्स है। विद इन लिमिट्स इन द सेंस ये है कि यहाँ पर 2005 से जब राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं भी आया था तो इन्होंने EWS की लिमिट रखी थी 1 लाख पर एनम फैमिली इनकम, राइट। तो दैट फैमिली इनकम जो है वो आज तक चली आ रही है, वो आज तक चली आ रही है। और उसका एक इम्प्लीकेशन हमने देखा 2005 के अंदर, उसका एक इम्प्लीकेशन ये देखा कि उस वक्त जो क्लास 4, दरवाजा बंद कर दो,